टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म गणपत का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक खबर आई थी कि फिल्म के मेकर्स ने जैकी श्रॉफ को ऑन स्क्रीन टाइगर श्रॉफ के पिता का किरदार निभाने के लिए संपर्क किया है, लेकिन अब चर्चा में है कि फिल्म में जैकी श्रॉफ नहीं बल्कि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन टाइगर श्रॉफ के पिता का रोल निभाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन को गणपत में टाइगर श्रॉफ के पिता की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया है। वहीं खबर मिली है कि टाइगर श्रॉफ फिल्म में एक बॉक्सर की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी की अगर बात करें तो टाइगर श्रॉफ के ऑन स्क्रीन पिता को भी शुरुआती दिनों में एक बॉक्सर के तौर पर दिखाया जाएगा। फिल्म पिता और बेटे की कहानी पर आधारित होगी। मेकर्स का मानना है कि ये कैरेक्टर स्क्रिप्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और निर्माता इस भूमिका के लिए मिस्टर बच्चन को लेने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बिग बी इससे पहले भी कई फिल्मों जैसे बागबान, रिश्ते, बाबुल में पिता का रोल निभा चुके हैं, जिसे काफी पसंद किया गया था। फिल्म का निर्माण दीपशिखा देशमुख, जैकी भगनानी और वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट कर रही है। फिल्म का नाम गणपत इसलिए रखा गया है क्योंकि बॉक्सर बने टाइगर फिल्म में गणपति के भक्त दिखाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई 2090 में कैसा होगा, उस समय दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक हालात कैसे होंगे, ये सब भी फिल्म में दिखाया जाएगा। फिल्म का एक बड़ा पार्ट यूके में शूट किया जाएगा, जिसके लिए टाइगर और कृति दोनों लंदन पहुंच चुके हैं। शूटिंग लगभग 2 महीने तक चलने की उम्मीद है। अगर सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हुआ तो अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ पहली बार ऑन स्क्रीन बाप बेटे के रोल में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरे करने के बाद टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।